मंच पे उपस्थित महागठबंधन के सभी मंचयासी को मेरा प्रणाम और जोहार। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग को मेरा प्रणाम और जोहार। मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिस परिवार ने झारखंड राज्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिस परिवार से मेरे बड़े पिताजी वीर शहीद निर्मल महतो और मेरे पिताजी शहीद निर्मल महतो, मेरे पिताजी स्वर्गीय सुधीर महतो ने आजीवन ईचागढ़ की जनता की सेवा की है और उनका ईचागढ़ की जनता से भावनात्मक रिश्ता रहा है। ईचागढ़ विधानसभा में हमारी परिवार 30 साल से आप सबों की सेवा कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई, बड़े दादा शहीद निर्मल महतो जी, उनकी घटना अचानक होने के कारण हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी, उनकी भी ऐसी अचानक घटना हुई, उसके बाद मैं आप सबों के बीच आया हूँ। मैं उस शहीद परिवार की बेटी आज आप सब से विनम्र पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप सब मेरी माँ श्रीमती सविता महतो जी, जो आज आपके आंगन में आंचल पसार कर आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आई है, आप सभी उन्हें अपना आशीर्वाद दें और बहुमूल्य पूर्वक उन्हें विजय बनाएं। मेरा परिवार ईचागढ़ की जनता के लिए पिछले 40 वर्षों से सेवा करता आया है और आगे भी करता रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी माँ हमेशा आपके सुख दुख में आपकी साथी रहेंगी और ईचागढ़ को विकास की ओर ले जाएंगी। मैं आप सबों से मैं एक बार आशीर्वाद की ओर मांगता हूँ कि आपका सेवा कर सकूं और इस ईचागढ़ में हमारे परिवार, हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा करने के लिए मुझे एक बार आप लोग आशीर्वाद। इस सरकार, जो हमारी महिलाएं, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर कैसे अत्याचार कर रही है, ये हमारे सरकार इस तरह नहीं करते। मैं अब सभी बहनों से, मैं एक महिला हूँ, ये सम्मान देगी हमारे सरकार, जैसे पारा टीचर इस सबको कैसे लाठीचार्ज करते, जो हाँ हमारे टीचर गुरु होते हैं, इस सरकार उसको लाठीचार्ज से उसके कई को मृत्यु हो जाती है। हमारे जब सरकार थी और हमारी पति यहाँ पर मुक्ति मोर्चा के यहाँ डिप्टी सीएम थे, उस टाइम जो कार्ड में कुकड़ों में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी तक वहाँ तक कोई डॉक्टर इस सरकार यहाँ से दिल्ली तक है लेकिन वहाँ पहुँचाने नहीं से, लेकिन हमको आप एक बार मौका दीजिए, हम वहाँ पर चिकित्सा और रोड और यहाँ के जो हमारे ईचागढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी है विस्थापित, उनके लिए भी मैं जितना हमारे पति उस टाइम जो वहाँ पर वेतन या वहाँ पर नौकरी चाहिए कि आप किसी का भी ऐसे हुआ हमसे जितना होगा मैं वहाँ का जरूर उस बात को वहाँ रखूंगी। और आपसे हम अनुरोध तो एक बार हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो को आप लोग विधायक बनाए और डिप्टी सीएम भी बनाए। हमारे परिवार आप सबको हमेशा आभारी है, आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपका सेवा हमारे परिवार हमेशा करेगा। सभी को मैं जोहार प्रणाम करतेन्द्र मेथी जी तो बहुत बहुत स्वागत है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन मूवमेंट में काफी सक्रिय रूप से भूमिका अदा किए हैं। जय झारखंड जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
दलित जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद। झारखंड अगला वक्ता के रूप में आप लोग मंच को